Hello students, today in this video I am going to teach you 4 digit number name. Okay, 4 digit number name ke pehle main aapko 1 digit number, 2 digit number aur 3 digit number kaun se number hote wo main yahan pe likh kar bataungi. Okay, sabse pehle 0 se leke 9 number jo hote hai उसे हम वन डिजिट नंबर कहते हैं. ओके, और 10 से लेके 99 जो नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टू डिजिट नंबर्स कहते हैं. ओके, और 3 डिजिट नंबर 100 से लेके तो 999 नंबर जो होते हैं उसे हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं. ओके, अभी आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, 4 डिजिट नंबर. तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1000 से लेकर तो 9999 जो नंबर होते हैं वो 4 डिजिट नंबर होते हैं. ओके, तो हम इसे, ये जो भी नंबर है 1000 से लेके 9999 जो नंबर होते हैं, हम बीच में से कोई भी नंबर दे, हम उसे नंबर नेम में किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. ओके, तो मेरा पहला एग्जाम्पल है. ओके, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4. ओके, तो मेरा आज कौन सा, ये वीडियो में मैं आपको 4 डिजिट नंबर वाला बता रही हूँ नंबर नेम. तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 नंबर्स डाल दिए, जैसे कि 8 6 2 5. ओके, तो ये इजी मेथड किस तरह से मैं इसे वर्ड्स में लिखूंगी वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वंस, टेंस, 100 एंड th मीन्स 1000. ओके, आपको वंस, टेंस, 100 के बाद एक कॉमा डालना है. ओके, तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नंबर की स्पेलिंग. ये कौन सा नंबर है, 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 की स्पेलिंग, EIGST 8. ऊपर क्या दिया हुआ है, 1000, तो 1000 की स्पेलिंग THOUSANDY 1000. 8000, फिर क्या लेना है वापिस से, 6, SIX 6. 6 के ऊपर क्या दिया हुआ है, 100, HUNDRED 100. और टेंस और वंस मिलके क्या हुए, 25. तो 600 के बाद हमें क्या लिखना है, 25. तो मैंने लिखा 20 की स्पेलिंग और 5 की स्पेलिंग. ओके, अब मैं वापस से आपको एक बार बताऊंगी किस तरह से लिखा है मैंने. पहले मैंने 8 की स्पेलिंग लिखी है, फिर ऊपर दिया हुआ है 1000, तो मैंने 1000 की स्पेलिंग लिखी है. फिर मैं वापस से कॉमा के बाद क्या आया, 6, तो मैंने 6 की स्पेलिंग लिखी है. फिर ऊपर गई मैं, उसके 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 100, तो मैंने 100 की स्पेलिंग लिखी. और टेंस और वंस मिलके क्या हुए, 25. ओके, अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगी, 3 2 0 6. ओके, तो मैंने वापस से फॉर्मूला यूज किया, वंस, टेंस, 100, 1000. ओके, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें जो नंबर नेम नंबर दिया हुआ है उसकी स्पेलिंग लिखनी है. तो ये कौन सा नंबर है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 की स्पेलिंग लिखूंगी, THR EE 3. ऊपर क्या दिया हुआ है, 1000, THOUSANDY 1000. उसके बाद क्या आएगा, 1000 के बाद मैं ये नंबर लिखूँगी, कौन सा नंबर है ये, 2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 की स्पेलिंग, और 2 के ऊपर क्या है, 100, HUNDRED 100. 100 आया, और टेंस और वंस के यहाँ पे क्या है, दोनों मिला के क्या हुआ, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 6, SIX 6. ओके, अभी वापस से हम रिपीट करेंगे, 3, 1000,
टू, हंड्रेड और सिक्स। ओके, अभी आपको समझ में आया। और मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि फाइव ज़ीरो ज़ीरो नाइन, यहाँ पे लिखोगी वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉमा किया। ओके, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला किसका नंबर लिखना है, फाइव। मैंने यहाँ पे लिखा फाइव की स्पेलिंग, फाइव ऊपर क्या है थाउजेंड, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे थाउजेंड की स्पेलिंग। ओके, फाइव थाउजेंड, हंड्रेड के यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ज़ीरो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टेंस की जगह पे भी ज़ीरो है और वंस की जगह पे नाइन, तो मैं क्या लिखूँगी, फाइव थाउजेंड नाइन की स्पेलिंग लिखूँगी। ओके, किस तरह से बना, फाइव थाउजेंड नाइन। ओके, और मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे कि सिक्स फोर वन नाइन। ओके, फिर से मैं अपना फॉर्मूला यूज करूँगी, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ओके, फिर किस तरह से लिखेंगे हम, सिक्स की स्पेलिंग लिखेंगे, सिक्स ऊपर क्या दिया हुआ है, थाउजेंड। ओके, थाउजेंड लिखा, फिर मैं फोर लिखूंगी, फोर की स्पेलिंग क्या है, एफ ओ यू आर, फोर ऊपर क्या दिया हुआ है, हंड्रेड। ओके, हंड्रेड और ये टेंस और वंस मिला के क्या बने, नाइनटीन, वन नाइन नाइनटीन, तो मैं यहाँ पे क्या किस की स्पेलिंग लिखूंगी, नाइनटीन की स्पेलिंग, एन आई एन ई टी डबल ई एन, नाइनटीन। ओके बच्चों, आपको फोर डिजिट वाला नंबर मैंने नंबर नेम सिखाया, आपको समझ में आया। इसी तरह से आप अलग अलग नंबर, जैसे फोर डिजिट के नंबर लेकर आप ऊपर क्या लिखना है आपको, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिख के आप इजीली आप ये नंबर नेम लिख सकते। ओके, बाय।